गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको एक बेजोड़ टॉपिक बताने जा रहे हैं आपको, जिसका नाम है अंग्रेजों के शासनकाल में जो भू राजस्व वसूलने की जो प्रणाली थी उससे जुड़ी हुई बातें। जैसे आपको नाम सुनोगे महालवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त। नाम सुनोगे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त क्या चीज़ है, वो चीज़ को जाने। बहुत आसान चीज़ है, ध्यान देंगे। ये जो आपको जो प्रणाली है, जब अंग्रेज लोग शासन यहाँ करते थे तो भू राजस्व यानी भूमि पर जो टैक्स लगती थी उसको वसूलने के लिए आपको जो तरीका अपनाए, जो प्रोसेस निकाले, ध्यान देंगे, जो प्रोसेस अपनाए, उन प्रोसेस को कई नाम दिए गए हैं, तो नाम आपके सामने है, जान जाइए। जैसे आपको कहे अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमरारी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, ये तीनों में अंतर जान जाइए। इसे भी क्वेश्चन पूछता है आपको, तो जितना जो हम बोल रहे हैं इससे भी आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछा गया, जो आपको बताने जा रहे हैं आपको हम। तो ये है भू राजस्व की प्रणाली अंग्रेजी शासन काल में भू राजस्व प्रणाली। एक क्या चीज है बात को समझिएगा, मैंने अंग्रेजी शासन काल में जब अंग्रेज लोग यानी इंग्लैंड के लोग यहां पर शासन करते थे, जब यहां के भूमि पर कब्जा कर लिए थे तो टैक्स को वसूलने के लिए कुछ प्रोसेस अपनाए, कुछ सिस्टम अपनाए। उस जो सिस्टम अपनाए उसको कई नाम दिया गया। वो जो सिस्टम अपनाया उसमें से एक था अस्थाई बंदोबस्त। इसी को इस्तेमरारी प्रथा ही बोलते हैं, इस्तेमरारी प्रथा। दूसरा है बेटा आपका रैयतवाड़ी प्रथा, और तीसरा जो है वो है महालवाड़ी प्रथा। ये बात को समझिएगा, क्या चीज़ बताने जा रहे हैं, क्लियर हो गया होगा आपको कि जब अंग्रेज भारत में शासन करते थे तो शासन करने के क्रम में वो उनको भूमि पर भी कब्जा था, यहाँ के भूमि पर वो टैक्स वसूलते थे किसानों से, जमींदारों से। तो जो टैक्स वसूलते थे तो टैक्स वसूलने के लिए जो सिस्टम अपनाए, कई लोगों ने कई सिस्टम अपनाए, डाल देंगे टैक्स वसूलने के लिए भूमि पर टैक्स यानी भू राजस्व हुआ रेवेन्यू, आपको टैक्स वसूलने के लिए जो सिस्टम अपनाए, प्रणाली अपनाए, उस वो सिस्टम का नाम आपके सामने लिखा हुआ है। उसी सिस्टम में से अस्थाई बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी है। तीनों में क्या अंतर है ये बात को समझेंगे, इससे 15 से 20 क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, चलिए गौर करेंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है कि इन चार को ऑप्शन रहेगा बेटा, तीन को ये वाला ले लेते हैं, अगर चौथा इनमें से कोई नहीं रहता कि इनमें से कौन अंग्रेजों द्वारा आपको भू राजस्व प्रणाली नहीं अपनाई गई है, तो आंसर कौन होगा, ये सब तो अपनाया गया है, डालेंगे तो आंसर होता है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन तो बन गए हैं, पर ये सब कर को वसूलने के लिए जो सिस्टम अपनाया गया उसका नाम है। चलिए बारी बारी से हम लोग जानें कि अस्थाई बंदोबस्त क्या है, रैयतवाड़ी प्रथा क्या है, महलवाड़ी प्रथा क्या है। आपको इसको किसने शुरू किया, कब किया, देंगे इसमें क्या होता था यानी टैक्स वसूलने का तरीका क्या था गो करेंगे, और ये तरीका यानी ये जो सिस्टम भारत के किस किस क्षेत्र में अपनाया गया, इससे जुड़ी हुई प्रमुख बातें आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, गौर से सुनेंगे सब लोग। तो एक बता रहे हैं बेटा अस्थाई बंदोबस्त, क्या बोला जा रहा है, अस्थाई बंदोबस्त। आपको सबसे पहले बता दें, बारी बारी से सबको हम लोग जानेंगे ये क्या है, ये सबको पता है, कर को वसूलने का तरीका। ये तरीका कौन अपनाए, अंग्रेज। कब कब अपनाए, जो हम बोलने जा रहे हैं आपको हम। चलिए तो बारी बारी से हम चर्चा करें, पहले हम बता रहे हैं बेटा आपको अस्थाई बंदोबस्त।
अस्थाई बंदोबस्त को ही इस्तेमरारी प्रथा कहते हैं। कथा की अस्थाई बंदोबस्त जो जो भूरस्प की प्रणाली थी वो अपना या 1793 ईस्वी में इसको शुरू किया आपको लॉर्ड कार्नवालिस ने। लॉर्ड कार्नवालिस जो कि भारत के आपको गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कार्नवालिस नाम सुनोगे आप लोग, लॉर्ड कार्नवालिस ध्यान देंगे, जिसे भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को। गौर करेंगे यानी बहुत से लोगों को नौकरी के अवसर प्रदान किए थे भारतीय लोगों को, इसलिए इनको नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। किनको? लॉर्ड कार्नवालिस को ध्यान देंगे, लॉर्ड कार्नवालिस। तो भारत में टैक्स को वसूलने के लिए ये अंग्रेज है ध्यान देंगे, आपको अंग्रेज लोग भारत में शासन करने के लिए आपको यहाँ पर एक पद बनाए थे, कभी गवर्नर जनरल होता था कभी वायसराय। तो मान ले कि ये गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कार्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कार्नवालिस। कब? 1793 में। 1700 हालांकि 1786 से 93 तक रहे हैं। तो लॉर्ड कार्नवालिस ने करों को वसूलने के लिए जो सिस्टम अपनाया, कर्म टैक्स को वसूलने के लिए जो सिस्टम अपनाया उसको क्या कहा गया? अस्थाई बंदोबस्त, या इसी को इस्तेमरारी प्रथा भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज है। गौर करेंगे तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू की? तो लॉर्ड कार्नवालिस। कहाँ की? तो भारत में। तो भारत के किन किन क्षेत्रों में? तो इसका जवाब होगा आपको बिहार में, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, वाराणसी में, यानी उत्तर प्रदेश का वाराणसी। देंगे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्त आपको सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो ये बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में। तो ये टैक्स वसूलने का जो तरीका अपनाया जिसको कहा गया अस्थाई बंदोबस्त, कौन तरीका अपनाया? लॉर्ड कार्नवालिस। ये तरीका कहाँ लागू किया? तो बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, वाराणसी में। ये जान जाइए। अब ये प्रश्न उठता है कि जो सिस्टम अपनाया करों को वसूलने के लिए, जो सिस्टम अपनाया करों को वसूलने के लिए, तो इसमें था क्या, वो सिस्टम में क्या था? तो आपको हम बता दें बेटा, एक चीज़ जान जाइए। एक होता है जमींदार, नाम सुनोगे आप लोग जमींदार, एक नाम सुनो किसान। जमींदार लैंडलॉर्ड जिसके पास काफ़ी ज़मीन थी, जमींदार समझ गए। एक जमींदार है, एक किसान है। आपको मानना है कि जमींदार लैंडलॉर्ड, क्या बोलेंगे इसको? लैंडलॉर्ड। देंगे जमींदार है जिसके पास ढेर सारा जमीन, एक किसान जो कि जमींदार के खेत पर काम करते थे, किसान जिसको रैयत बोलते हैं, रैयत, रैयत माने किसान, किसान को रैयत भी बोलते हैं। जान जाइए, जमींदार भूमि का मालिक, आपको ध्यान देंगे यहाँ किसान, किसान जो जमींदार के भूमि पर खेती करते थे, किसान जो जमींदार के भूमि पर खेती करते थे, बात को समझिएगा। और ध्यान देंगे खेती करके इनको लाभ पहुँचाते थे, अपने भी लाभ लेते थे, दोनों में अंतर समझे जमींदार किसान में। ध्यान देंगे जिनके पास ढेर सारा जमीन हुआ करते थे पहले वो जमींदार होते थे, ध्यान देंगे, और जमींदार की जमींदार के भूमि पर खेती जो करते थे उसको क्या कहा गया? किसान। अभी ये समझिएगा, यहाँ पर किसान को रैयत भी बोलते हैं, किसान को क्या बोलते हैं? रैयत। तो गौर करेंगे लॉर्ड कार्नवालिस ने जो अस्थाई बंदोबस्त लागू की, अस्थाई बंदोबस्त, इसमें कहा गया कि आपको जमींदार जो है टैक्स को वसूलने का तरीका क्या था? इसमें कहा कि जो जमींदार है वो क्या करेंगे, किसान पर टैक्स निर्धारित करेंगे, जितना हो ये टैक्स निर्धारित करेंगे। लॉर्ड कार्नवालिस ने जमींदार को छूट दे दी थी। ए राजा कौन है इस समय? गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस के समय में जो अस्थाई बंदोबस्त लागू हुई कर को वसूलने का तरीका, इसमें ये जमींदार को पावर दे दिए कि आप किसान पर आपको आप टैक्स निर्धारित कीजिए, जितना हो वो टैक्स निर्धारित कीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है, और टैक्स वसूलिए किसान से, किसान से टैक्स माने कर कौन वसूलेगा? जमींदार। और जितना टैक्स वसूलेंगे आप उसका 10/11 भाग हमको देंगे, ये देगा कार्नवालिस को, और 1/11 भाग अपने पास जमींदार रखेंगे।
तो सोचिएगा थोड़ा सा अस्थाई बंदोबस्त में क्या तरीका अपनाया गया, ये समझिएगा। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की? लॉर्ड कार्नवालिस ने। लेकिन ध्यान देंगे, इसके बारे में तो कोई सोचा होगा, कोई सोचा होगा ये शब्द के बारे में, कोई सोचा होगा ये शब्द के बारे में। इस शब्द के प्रतिपादक थे सर जॉन शोर, सर जॉन शोर, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया, अरे भले ही अस्थाई बंदोबस्त, कोई तो ये शब्द का उच्चारण किया होगा, ये कोई शब्द, इस शब्द के कोई प्रतिपादक होंगे जो ऐसा मन में सोचा होगा। तो ये सोचने वाले शब्द के प्रतिपादक अस्थाई बंदोबस्त जो टर्म है, इसके बारे में आपको ये सोचा था कौन? सर जॉन शोर। इसलिए क्वेश्चन ये भी पूछता है, ये भी अंग्रेज थे, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्त के प्रतिपादक कौन थे, तो सर जॉन शोर। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्त किनकी दिमाग की उपज है, तो सर जॉन शोर, माने किसने सोचा, तो सर जॉन शोर। यह भी, लेकिन इन्होंने जो सोचा उसको लागू कौन किया? लॉर्ड कार्नवालिस। अस्थाई कौन किया? अगर क्वेश्चन कहे कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की, तो आंसर होगा लॉर्ड कार्नवालिस। ये किनके दिमाग की उपज है? तो सर जॉन शोर। इस शब्द के प्रतिपादक कौन है? सर जॉन शोर। क्लियर। अब देखेंगे इन्होंने जो कर को वसूलने का तरीका अपनाया, इसमें क्या क्या प्रावधान था सोचिए कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत ये जमींदार को पावर दे दिए, कौन? लॉर्ड कार्नवालिस, कि किसानों पर टैक्स का निर्धारण आप करेंगे, जितना लेना है लीजिए, लेकिन जितना टैक्स आप वसूलेंगे उसका 10/11 भाव, यानी लगभग 90% उसका 90% हम लेंगे। कौन लेंगे? लॉर्ड कार्नवालिस। किससे? जमींदार से। और 10% यानी 1/11 भाग, किसका 1/11? जितना टैक्स वसूले, कौन वसूले? जमींदार। किससे वसूले? किसान से। उसका 1/11 भाग जमींदार लेंगे। क्लियर। तो अस्थाई बंदोबस्त में क्या प्रावधान था समझ गए? अस्थाई बंदोबस्त में ही प्रावधान था कि जमींदार किसान पर टैक्स का निर्धारण करेंगे, कितना लेना है ये लॉर्ड कार्नवालिस निर्धारण नहीं करेंगे, ये कौन करेंगे? आपको जमींदार। और जितना निर्धारण करेंगे और जितना वसूलेंगे उसका 90% यानी 10/11 भाग लगभग किसको देंगे? लॉर्ड कार्नवालिस को, यानी गवर्नर जनरल को। और 1/11 भाग यानी 10% वो अपने पास रखेंगे, कौन? जमींदार। क्लियर। यही था आपको अस्थाई बंदोबस्त। ये सिस्टम पूरे इंडिया में लागू नहीं हुआ, ये सबसे पहले ये बंगाल में लागू हुआ, बिहार में, उड़ीसा में, वाराणसी में। ये जो अस्थाई बंदोबस्त लागू कहाँ कहाँ हुई? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, वाराणसी। क्लियर। और कहा जाता है कि भारत में जितना भूमि थी, भारत में उसके 19% भूमि पर, 19% भूमि पर ये सिस्टम है कर को वसूलने का लागू किया गया। क्लियर। तो इससे अभी तक जो बोले बेटा, इससे 6-7 क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया कि अस्थाई बंदोबस्त किनके दिमाग की उपज है? सर जॉन शोर। अस्थाई बंदोबस्त के प्रतिपादक कौन है? सर जॉन शोर। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की? लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू की। कब की? 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ कहाँ लागू की? तो अगर ऐसे रहा तो बंगाल में सबसे पहले, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, बनारस में। अगर क्वेश्चन पूछे कि अस्थाई बंदोबस्त पूरे भारत के कितने % भूमि पर लागू हुई, तो 19%। कौन % 19%। ध्यान देंगे, अस्थाई बंदोबस्त में कर का निर्धारण करने का अधिकार किसको दिया गया? तो जमींदार को दिया गया। जमींदार आपको 90% किसको देते थे? लॉर्ड कार्नवालिस को। और 10% अपने पास रखते थे, लगभग 10/11 भाग। ये भी याद रखिएगा आंकड़ा को। एक क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपका, अब जो बोलने जा रहे हैं आपको हम, ये पहला तो गया अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। अब दूसरा बताने जा रहे हैं आपको हम, ध्यान देंगे, दूसरा जो बताने जा रहे हैं वो है बेटा, ध्यान देंगे आपका, रैयत बाड़ी प्रथा इस्तेमारी या अस्थाई बंदोबस्त, समझ गए? रैयत बाड़ी प्रथा। आपको बता दें रैयत बाड़ी प्रथा किनके दिमाग की उपज है? तो आंसर होगा थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो
क्वेश्चन आएगा कि रैयतवाड़ी प्रथा के प्रतिपादक कौन थे, तो थॉमस मुनरो। या भारत में रैयतवाड़ी प्रथा किसने लागू की, तो थॉमस मुनरो। कौन की, थॉमस मुनरो। कब की जानेंगे, तो रैयतवाड़ी प्रथा जो लागू हुई 1820 में भारत के किस क्षेत्र में, तो मद्रास में। क्वेश्चन ये पूछा गया, सब पूछा गया बेटा आपका, कि भारत में रैयतवाड़ी प्रथा कब लागू की गई, 1820 में। कहाँ, भारत के किस क्षेत्र में लागू की गई, तो मद्रास में। किसने लागू की, तो थॉमस मुनरो। कौन मुनरो, थॉमस मुनरो। अब प्रश्न उठता है कि रैयतवाड़ी प्रथा में क्या था, रैयतवाड़ी प्रथा जानेंगे, इसमें इसमें क्या था, ये बात को समझेंगे। अभी अस्थाई बंदोबस्त जो इसके पहले बताए, उसमें कर वसूलने, कर किससे वसूलते थे अंग्रेज लोग, जमींदार से नहीं, लेकिन इस प्रथा के तहत, रैयतवाड़ी प्रथा के तहत अंग्रेज लोग डायरेक्ट आपको जमींदार से कर की वसूली ना कर वो किसान से करते थे, यानी रैयत से करते थे। रैयत, रैयत माने किसान। जो बड़ा दोनों में अंतर समझिए, आपको अस्थाई बंदोबस्त में बताए हम कि अस्थाई बंदोबस्त में आपको अंग्रेज लोग कर की वसूली करते थे किससे, जमींदार से, डायरेक्ट जमींदार से करते थे। लेकिन रैयतवाड़ी प्रथा जो लागू की, इसमें कर की वसूली जमींदार से ना कर कर करके एक डायरेक्ट किससे करते थे, किसान से, रैयत से। इसलिए रैयतवाड़ी, ये रैयत से करते थे, रैयत माने किसान, तो रैयतवाड़ी प्रथा। आपको बता दें, रैयतवाड़ी प्रथा समझ गए, ये भारत की रैयतवाड़ी प्रथा आपको भारत के किस क्षेत्र में लागू हुई, मद्रास। दे देंगे किसने लागू की, थॉमस मुनरो। कब लागू की, 1820। दोनों में अंतर समय आ गया होगा। और आपको हम बता दें कि रैयतवाड़ी प्रथा में क्या था, कि जितना किसान उपज करते थे उसका 1/2 भाग आपको कर के रूप में अंग्रेज ले लेते थे डायरेक्ट किसान से, 1/2 भाग यानी 50%। दे देंगे 1/2 भाग मतलब कितना परसेंट, उपज का 1/2 भाग नहीं, उपज का आधा। तो ध्यान देंगे, रैयतवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त में आप समझ गए होंगे, हमको पूरा विश्वास है आपको। तो गौर करेंगे इससे जुड़ी ये बातें, रैयतवाड़ी प्रथा में डायरेक्ट अंग्रेज लोग किससे कर की वसूली करते थे, किसान से। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार से, उसमें जमींदार को पावर था किसान पर कितना टैक्स लगाएगा। चलिए गौर करेंगे, तीसरा है बेटा आपका, ये तीसरा जो बता रहे हैं आपको, महालवाड़ी प्रथा। महालवाड़ी, महालवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा किनके, हाँ महालवाड़ी प्रथा आपको किनके दिमाग की उपज है, तो कहेंगे आपको लॉर्ड मैकेंजी, लॉर्ड मैकेंजी, लॉर्ड मैकेंजी एक अंग्रेज थे। महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई भारत में, तो 1822। महालवाड़ी प्रथा भारत में कब लागू की गई, तो 1822 में। भारत के किस क्षेत्र में ये प्रथा लागू की गई, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत कहेंगे मध्य प्रदेश को, आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये लागू की गई, पंजाब प्रांत में, पंजाब, पंजाब प्रांत में। अब ये तो क्लियर है कि महालवाड़ी प्रथा क्या है, करों को वसूलने का तरीका, सिस्टम, करों को वसूलने का तरीका है। ध्यान देंगे ये जान जाइए, एक चीज और ध्यान देंगे, रैयत जिस तरह से आपको हम बताया थे, एक चीज छूट गया बेटा यहाँ पर, कि भारत के 19% भूमि पर आपको अस्थाई बंदोबस्त लागू हुई थी, ठीक उसी प्रकार से भारत के 51% भूमि पर रैयतवाड़ी प्रथा लागू थी। आपको बताया थे कि भारत के कितने परसेंट भूमि पर आपको अस्थाई बंदोबस्त लागू थी, तो हम कहते हैं 19%, लेकिन क्वेश्चन अगर है कि भारत के कितने भूभाग पर या भूमि पर आपको रैयतवाड़ी प्रथा लागू थी, तो हम कहेंगे 51%। ठीक उसी प्रकार से भारत के कितने परसेंट भूमि पर महालवाड़ी प्रथा लागू थी, तो आंसर होगा 30%। कितना परसेंट, 30%। अब आपको बताएंगे, ये दोनों में अंतर समझ गए थे, महालवाड़ी प्रथा में होता क्या है। आपको अस्थाई बंदोबस्त में कर की वसूली जमींदार से, रैयतवाड़ी प्रथा में किसान से, लेकिन महालवाड़ी प्रथा में आपको पूरे क्षेत्र को जहां से कर की वसूली करनी थी, ऐसे महाल, महाल मतलब होता है ग्राम या कोई क्षेत्र, महाल मतलब कोई ग्राम या कोई क्षेत्र होता था। तो इन्होंने क्या कर दिया था कि महाल वाइज, जैसे मान लिया जाए कि पूरा इंडिया है,
इसको इतना महाल में बटा गया और महाल वाइज कर को ला दिया। किस महाल में, महाल एक क्षेत्र समझिए, आपको पूरा इंडिया मान लो बेटा, ध्यान देंगे इंडिया में यहाँ पर 1, 2, 3, 4 महाल है, मान लिया जाए 4 महाल। तो पूरे महाल में जितना किसान उपज करेगा, उस उपज करने के लिए भी किसान को खर्चा होता है, कोई फसल उपजाता है किसान तो उसको खर्चा होता है, तो जितना खर्चा हुआ किसान को, मैंने ये जो कर की वसूली की जाती थी महाल वाइज, महाल वाइज इसमें होता क्या था कि एक महाल में आपको जितना खेती करने पर खर्चा हुआ उसको छांट दिया गया, जो बचा मैंने लाभ उसका 2/3 भाग आपको अंग्रेज ले लेता था, 2/3 भाग, बाकी जो बचा 1/3 भाग वो किसान का होता था। नहीं समझे? आपको महलवाड़ी प्रथा में क्या कर दिया गया कि भारत के जिन जिन क्षेत्रों में महलवाड़ी प्रथा लागू की गई, किन किन क्षेत्रों में, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत इसको मध्य प्रदेश भी कहेंगे, या पंजाब प्रांत, ये तीन प्रांतों में महलवाड़ी प्रथा लागू की गई। मान लिया जाए कि ये तीन प्रांत में आपको 4 महल है, मान लिया तो इसमें महाल, एक महाल माने क्षेत्र, एक क्षेत्र भाई, महाल एक क्षेत्र को कहा गया। एक महाल में मैंने कैसे कर को वसूली करना था, एक महाल में जितना उपज हुआ, जितना उपज हुआ ध्यान देंगे, तो उपज करने में किसान को खर्चा हुआ, मान लिया जाए कि आपको उपज हुआ आपको 150 मन धान, 150 मन धान, तो 150 में से आपको 150 मन धान, धान का दाम है आपको मान लिया जाए कि 60,000 रुपया, तो 60,000 रुपया धान जब बेचेगा तो मिलेगा, उसमें से 10,000 रुपया इसको खर्चा हुआ है इसको उपजाने में, तो बाकी कितना बचा 50,000। तो जितना बचा उसका 2/3 भाग अंग्रेज ले लेता था, उसका 2/3 भाग कौन ले लेता था, अंग्रेज। बात को समझे? अब बाकी जो बचा वो किसान का होता था। तो एक कर को वसूलने के लिए तरीका कौन अपनाया, अंग्रेज। इस तरह के तरीका को ही कहा गया महलवाड़ी प्रथा, क्योंकि एक महल वाइज कर की वसूली करता था। महलवाड़ी प्रथा कब लागू हुई, 1822 में। किसने लागू की, लॉर्ड मैकेंजी ने। आपको भारत के किन किन क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब प्रांत में, ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब प्रांत में लागू की, ठीक है। तो गौर करेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब प्रांत में अलाउ की गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि तीनों में अंतर समझ गए होंगे आप कि वो प्रथा क्या थी, कहाँ लागू हुई। एक चीज गौर करेंगे, महलवाड़ी प्रथा के जनक भी कहेगा तो लॉर्ड मैकेंजी कहेंगे। महलवाड़ी प्रथा के जनक किनको कहेंगे, लॉर्ड मैकेंजी को। क्या क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तीसरे क्वेश्चन है, अब देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपका कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की, तो कहेंगे लॉर्ड कार्नवालिस। कब लागू की, 1793 में। आपको अस्थाई बंदोबस्त किनकी दिमाग की उपज है, तो सर जॉन शोर की उपज है। आपको सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू की गई, तो बंगाल में, तो बिहार में, तो उड़ीसा में। चलिए अस्थाई बंदोबस्त। फिर था बेटा रैयतवाड़ी प्रथा किसने लागू की, तो थॉमस मुनरो ने। कब लागू की, तो 1820 में। आपको किस क्षेत्र में लागू की, तो मद्रास में। कितने परसेंट भूभाग पर, 51%, वो था 19%। भारत में महलवाड़ी प्रथा कब लागू हुई, तो 1822 में। महलवाड़ी प्रथा 1822 में। आपको भारत के किस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में आपको लागू की गई। एक कितने परसेंट भूमि पर लागू हुई, 30% पर। आपको महलवाड़ी प्रथा के जनक कौन थे, लॉर्ड मैकेंजी। और आपको हम बता दें एक चीज और सुन लीजिएगा लास्ट में कि जिस समय रैयतवाड़ी प्रथा लागू हुई थी महलवाड़ी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि 1813 से 23 तक रहे हैं। क्वेश्चन अगर पूछे कि जिस समय भारत में रैयतवाड़ी प्रथा और महलवाड़ी प्रथा लागू हुई थी, जानेंगे उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, क्योंकि 1813 से लेकर के 23 तक रहे थे, सोचिएगा। लेकिन जिस समय अस्थाई बंदोबस्त लागू हुई थी, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कार्नवालिस थे। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि पूरा क्लियर हो गया होगा बेटा आपको। चलिए छोड़ते हैं, जय हिंद, जय भारत।